कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लोकसभा की 6 सीटें जो हम लोगों ने लड़ी थी वो तमाम 6 सीटें हम लोग लड़ेंगे, जिसमें हाजीपुर भी है, जिसमें जमुई भी है। जमुई लोकसभा का ध्यान रखना ये भी मेरी जिम्मेदारी है। अवस्था में आए हैं, बुजुर्ग होकर जाएंगे क्या, हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपने क्या संकेत देने की कोशिश की है जमुई में? भाई अगर आप मेरा पूरा स्टेटमेंट अगर आप सुनेंगे तो उसमें मैंने कहने से पहले ठीक उससे एक लाइन पहले मैंने ये कहा था कि कौन कहां से चुनाव लड़ता है नहीं लड़ता है ये समय आने वाला तय करेगा, और समय तय करेगा मतलब गठबंधन के भीतर तय होगा, पार्टी तय करेगी, एक बात तो पूरी तरीके से तय है। अगर आप इसका कोई दूसरा तात्पर्य निकाल रहे हैं तो मैं पुनः इसको ब्लैक एंड व्हाइट लाइनों में मैं बता देता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लोकसभा की 6 सीटें जो हम लोगों ने लड़ी थी वो तमाम 6 सीटें हम लोग लड़ेंगे, जिसमें हाजीपुर भी है, जिसमें जमुई भी है। बट कौन सा प्रत्याशी कहाँ से चुनाव लड़ेगा ये पार्टी का संसदीय बोर्ड सही समय पर तय करेगा। हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ रहा, जमुई से कौन चुनाव लड़ रहा, और जहाँ तक आपने बात की मेरे उस बयान की, भाई हाजीपुर से मेरा पिछले 8-9 सालों से नाता रहा है, जमुई से मेरा पिछले 8-9 सालों से नाता रहा है, हाजीपुर से मेरा संबंध बचपन से रहा है। जहाँ एक तरफ मैं पुत्र की भूमिका में हूँ, अपने नेता के जाने के बाद उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी बनती है, वहीं मेरी कर्म भूमि जमुई रहा है। जमुई लोकसभा का ध्यान रखना ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तो ये बात मैं हर बार मैं जमुई के लोगों को कहता हूँ कि भाई मैं युवा अवस्था में आया था और बुज़ुर्ग बनकर ही यहाँ से मैं जाना चाहता हूँ, बट वो बुज़ुर्ग सिर्फ सांसद के तौर पर हो, भाई जमुई की जनता ने मुझे एक बेटे के तौर पर भी अपनाया, भाई के तौर पर भी अपनाया। तो ये राजनीतिक दृष्टि से दिया हुआ ये बयान नहीं था, मेरे जो व्यक्तिगत संबंध जमुई के लोगों से हैं। बट अगर कहीं इसका तात्पर्य ये निकाला जा रहा है, क्योंकि कुछ जगह कुछ विश्लेषणों में मैंने ये सुना कि सरेंडर कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, भाई मैं इन बातों को विवादित नहीं करना चाहता, क्योंकि गठबंधन के भीतर वाली बातें हैं और गठबंधन में तय होने के बाद सही समय पर इसको सार्वजनिक किया जाएगा। बट हाँ ये भी उतना ही तय है कि हाजीपुर हो, जमुई हो, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही यहाँ से चुनाव लड़े। लेकिन आप लगातार ये चीजें कहते रहे हैं, मैं ज़रूर चाहता हूँ कि वो चुनाव लड़े, मेरे पिता चाहते थे कि वो चुनाव लड़े, उन्होंने अभी तक इसको लेकर सहमति नहीं दी है। सार्वजनिक जीवन से वो अपने आप को दूर रखती हैं और रखना चाहती हैं, पर ऐसे में उनकी इस भावना का भी हम लोग सम्मान करते हैं। बट मैं पुनः दोहराता हूँ कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा ये पार्टी का संसदीय बोर्ड ही तय करेगा। ताकि एक सवाल अहम है, आज से 3 दिन पूर्व भी पशुपति कुमार पारस ने भास्कर को एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा सर ये सवाल जरूरी है। विराग जी, हाजीपुर सीट से समझौता क्या भाई, समझौते की परिस्थिति की चर्चा ही क्यों, किस बात का समझौता, किस बात का समझौता? जैसा मैंने कहा कि ये सब गठबंधन के भीतर होने वाली चर्चाएं हैं और बहुत सहजता से ये तमाम बातों पर चर्चा भी हो जाएगी और निष्कर्ष भी निकल जाएगा। लेकिन इंटरव्यू में पशुपति कुमार पारस ने कहा जमुई त्यागने का वजह बता दे, चिराग पासवान उसके बाद जो करना है करें, क्या जमुई त्यागने के पीछे का वजह बता दे, धोखा देने भाई कौन त्याग रहा है, हम बोल तो रहे हैं कि भाई हमारे पास ही है वो सीट, हम ही लोग लड़ेंगे। भाई मैं आज की तारीख में जमुई का मैं सांसद हूँ, पर हाजीपुर में भी मेरी भूमिका उतनी ही सक्रिय है कि नहीं है, उतना ही मैं हाजीपुर भी जाता हूँ और उतना ही मैं बिहार के कोने कोने में जाता हूँ। भाई मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, मैं बिहार के 13 करोड़ लोगों को विकसित राज्य देने की बात करता हूँ, 13 करोड़ लोगों की मैं बात करता हूँ, जात पात धर्म मजहब से उठकर, क्षेत्रों से उठकर। तो ऐसे में हाजीपुर हो, जमुई हो, पूरा प्रदेश, उसके लिए हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का हम लोग विजन लेकर। भाई हम लोग बहरहाल ये गठबंधन के घटक दल का अपना निर्णय है, जिस तरीके से उन्होंने समर्थन वहाँ से वापस लिया है, बहरहाल मुझे लगता है कल से मणिपुर के विषय पर चर्चा इससे पहले ही हो जाती अगर विपक्ष अपनी जिद पे नहीं अड़ा रहता और सिर्फ प्रधानमंत्री जी को जवाब देने के लिए बाध्य करने की दृष्टि से वो लोग अविश्वास प्रस्ताव लाने की जिद नहीं करते, तो बहुत पहले चर्चा हो गई होती, इस पे निष्कर्ष भी कुछ ना कुछ निकल के आता,
चर्चा से सबको लाभ ही होता, पर बहरहाल कल से इसको लेकर चर्चा है। मुझे लगता है जितनी भी सरकार से जो भी जवाब की अपेक्षा विपक्ष रखता है या सहयोगी दल भी, जिनको भी थोड़ी बहुत आशंका है, मुझे लगता है वो तमाम जवाब परसों प्रधानमंत्री जी 10 तारीख को देंगे, उसमें सारे सवालों के जवाब मिलेंगे।